अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं हूं जहांगीर, मेरे साथ जहांगीर हमदौर आलमगीर, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप सबको हमारे प्यारा सलाम। और आज एक और जबरदस्त किस्म की वीडियो लेके आए हैं, जो ये वीडियो है जी इंडिया टॉप फैक्ट्स वालों की, नताशा की ये वीडियो है। बहुत अच्छी वीडियो बनाती है, ठीक है। और भाई ने कमेंट किया था कि भैया वीडियो काम क्यों आ रही है और कभी लेट आ जाती है कभी नहीं आती, तो आज हम काफी गेम खेल लगे हैं, तो अब तो ये वीडियो है जी दिल्ली वर्सेस बीजिंग के लिए। मैं दोस्तों ने कहा था कि जरूर वीडियो बनाए, ठीक है, तो इसलिए हमने ये वीडियो सिलेक्ट की है। तो अब हम चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले हमें ये जो है ना, ये जिन दोस्तों ने हमें कहा, अंकित मिश्रा है और कुंदन सिंह है और लवली पियानो है, ठीक है, तो इन सब ने हमें कमेंट्स किए थे, ठीक है। तो अब हम वीडियो के ऊपर चलते हैं, और ये वीडियो इंडिया टॉप फैक्ट्स की है। इंडिया टॉप फैक्ट्स, तो ये नताशा है, बहुत अच्छी है। डिस्क्रिप्शन में हम इनका लिंक दिया है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो के लास्ट में दिए गए पॉज में पार्टिसिपेट करके आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है उसके बारे में बता सकते हैं। और अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। आज का वीडियो दिल्ली वर्सेस बीजिंग हमने लास्ट वीडियो के पॉज के रिजल्ट की डिमांड पर ही बनाया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिल्ली और बीजिंग यह दोनों ऐसी सिटीज हैं जिसके ऊपर न केवल पूरी एशिया की बल्कि पूरी दुनिया की नजरें हमेशा टिकी रहती है। दोस्तों, जीडीपी की बात करें तो दिल्ली की जीडीपी 305 बिलियन डॉलर्स है, वहीं बीजिंग की जीडीपी 733 बिलियन डॉलर्स है। पॉपुलेशन की बात करें तो 2017 तक दिल्ली की पॉपुलेशन 28 मिलियंस है, वहीं बीजिंग की पॉपुलेशन 21.71 मिलियंस है। आपको बता दें कि लास्ट वीडियो दिल्ली वर्सेस इस्लामाबाद में आपको दिल्ली की पॉपुलेशन 19 मिलियन बताई थी, जो कि 2011 तक की थी। एरिया की बात करें तो दिल्ली का एरिया 1484 किलोमीटर स्क्वायर है, वहीं बीजिंग की मेगासिटी 4144 किलोमीटर स्क्वायर है, वहीं मेट्रो सिटी 15042 किलोमीटर स्क्वायर है। रिलीजन की बात करें तो दिल्ली में 80% हिंदू, 12.86% मुस्लिम्स, 3.77% सिख, 1% जैन, 1% क्रिश्चियन और दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। वहीं बीजिंग में 86.26% एथीस्ट यानी नास्तिक, 11.2% बुद्धिस्ट, 1.76% इस्लाम, 0.78% क्रिश्चियंस है। दोस्तों, लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो दिल्ली में 86.21% है, वहीं बीजिंग में लिटरेसी रेट 98% है। आपको बता दें कि करेंसी रेट 1 चाइनीज रेनमिनबी 10.5 भारतीय रुपए के बराबर होती है। चलिए दोस्तों कुछ खाने पीने की बात करते हैं। दिल्ली में औसतन एक वक्त का खाना 140 रुपए का मिलता है, वहीं बीजिंग में एक वक्त का खाना 316 भारतीय रुपए में मिलता है। बीजिंग में आपको पैकिंग रोस्ट डक, इंस्टेंट बॉइल्ड मटन, जाजियांग नूडल्स, बीन सूप, लू जू हुआ शाओ, चाओ गनेर, गुआन चांग, बाओ दू, लवदागन, वैन दा हुआ खाने को मिल सकता है। वहीं दिल्ली में आपको पराठा, बटर चिकन, चाट, छोले भटूरे, बिरयानी, बिहारी, चिकन चंगेजी, चिकन हल्दी घाटी, मटन स्ट्यू, वेजिटेबल कटलेट्स, दाल बुखारा, कराची हलवा, जलेबी, चॉकलेट पान खाने को मिल सकता है। मिनरल वाटर बॉटल 20 रुपए में मिलती है, वहीं बीजिंग में 30 भारतीय रुपए में मिलती है। एक लीटर पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 82 रुपए है, वहीं बीजिंग में ओ यहाँ भी 82 भारतीय रुपए ही है। एक अच्छे मल्टीप्लेक्स सिनेमा की नॉर्मल टिकट औसतन दिल्ली में 300 रुपए तक मिलती है, वहीं बीजिंग में 580 भारतीय रुपए में मिलती है।
एक नॉर्मल रूम का सिटी के सेंटर में एक मंथ का किराया ऑस्टिन दिल्ली में 16,000 रुपए होता है, वहीं बीजिंग में 62,000 भारतीय रुपए होता है। अगर आपको कोई फ्लैट खरीदना है तो दोस्तों ये रेट्स भी जान लो। सिटी के सेंटर में ऑस्टिन दिल्ली में रेट 3 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर है, वहीं बीजिंग में 10.2 लाख भारतीय रुपए पर स्क्वायर मीटर है। टैक्स के बाद ऑस्टिन एक व्यक्ति की सैलरी दिल्ली में 41,000 रुपए है, वहीं बीजिंग में 68,000 भारतीय रुपए है। दोस्तों एयरपोर्ट्स की बात करें तो बीजिंग का बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2017 से 2018 में 94.4 मिलियन पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया था, जिसके चलते यहां एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट बना था। वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो 2017 से 2018 में 65.7 मिलियन पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया था। आपको बता दें कि दोनों एयरपोर्ट्स अपने अपने देशों के सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ दोनों सिटीज की बात हो रही हो और पोल्यूशन की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। चलिए जरा पोल्यूशन के रिकॉर्ड्स पर नजर करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दिल्ली का एवरेज पोल्यूशन 229 यूनिट्स है, वहीं बीजिंग का एवरेज पोल्यूशन 139 यूनिट्स है। आपको बता दें कि यहाँ पोल्यूशन की यूनिट्स माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, वहीं इसको पार्टिकल मैटर के 2.5 लेवल में नापा गया है। इसका मतलब यह है कि पोल्यूशन में पार्टिकल्स की मात्रा 2.5 माइक्रोमीटर के डायमीटर या उससे कम की है, जिससे बहुत ही खतरनाक और घातक माना जाता है, जिसके कारण सांस लेने की बीमारियां और लंग कैंसर आबाद हो सकती है। बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक हेल्दी सिटी का पोल्यूशन लेवल 25 रखा गया है। चलिए दोस्तों आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं जो आपने शायद ही सुने होंगे। बीजिंग सिटी का इतिहास 3000 साल पुराना है। बीजिंग का नामकरण 16वीं बार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले बीजिंग के 15 अलग अलग नाम रह चुके हैं। अच्छा। दोस्तों बीजिंग में पोल्यूशन के चलते बहुत से लोगों ने गाड़ियां छोड़कर बाइसिकल्स चलाना शुरू किया है। आपको बता दें कि बीजिंग को बाइसिकल्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि बीजिंग में 90 लाख बाइसिकल्स चलती है। बता दें कि बीजिंग में स्थित फॉरबिडन सिटी दुनिया का सबसे बड़ा महल है और बीजिंग एयरपोर्ट से 80 किलोमीटर दूर स्थित ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की लगभग सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियां सीएनजी पर चलती हैं। टोक्यो के बाद दिल्ली दुनिया की दूसरी सबसे आबादी वाली सिटी है। तो अगर आप मसालेदार खाना पसंद करते हैं तो ये फैक्ट्स आपके लिए हैं। दिल्ली का खारी बावली मार्केट एशिया का सबसे बड़ा मसालों का होलसेल मार्केट है। दिल्ली की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद को शाहजहां ने 1644 से 1656 के बीच 10 लाख रुपए में बनाई थी। दुनिया की सबसे ऊंची सिर्फ ईंटों से बनी मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में ही है। दिल्ली के आजादपुर मंडी को एशिया का सबसे बड़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का होलसेल मार्केट कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब कुछ घूमने फिरने की बात करते हैं। दिल्ली में आप कुतुब मीनार, नेहरू पार्क, जामा मस्जिद, लोटस टेंपल, रेड फोर्ट, इंडिया गेट, राजघाट, राष्ट्रपति भवन, जंतर मंतर, हजरत निजामुद्दीन दरगाह, हुमायूं टॉम, चांदनी चौक, बंगला साहिब गुरुद्वारा, अक्षरधाम टेंपल, अग्रसेन की बावली, नेशनल रेल म्यूजियम, दिल्ली हाट, हौस खास, शंकर्स इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम जा सकते हैं। वहीं बीजिंग में आप ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना, द इंपीरियल पैलेस एंड फॉरबिडन सिटी, टियानमेन स्क्वायर, बिहाई पार्क, द टेंपल ऑफ हेवन, बीजिंग नेशनल स्टेडियम, द लामा टेंपल, बीजिंग कैपिटल म्यूजियम, बीजिंग एंशिएंट ऑब्जर्वेटरी, द फायुआन टेंपल, कोल हिल पार्क, बीजिंग जू, समर पैलेस, जिंगशान पार्क, बीजिंग नेशनल इक्वेटिक सेंटर, जुयोंग पास जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको कौन सी सिटी अच्छी लगी, दिल्ली या फिर बीजिंग, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको और भी किसी दो सिटी के कंपैरिजन का वीडियो देखना हो तो कमेंट में जरूर बताएं।
बड़ी अच्छी वीडियो बनाई, अच्छी वीडियो थी और काफी इन्फॉर्मेशन थी इसमें, और सही मानों में हमें कई चीजों का आज पहली बार पता लगा, ठीक है, हमें नहीं पता था, ठीक है। और अगर इसमें अगर देखा जाए जैसे पॉपुलेशन की बात थी, तो दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी इनकी, लेकिन मुंबई उसकी बेजिंग की भी पॉपुलेशन इतनी कम नहीं थी इनकी, 1,90,00,000 के करीब तो पॉपुलेशन उनकी भी है, ठीक है, बल्कि 1,90,00,000 से भी ज्यादा है, ठीक है। और दिल्ली की पॉपुलेशन तो वैसे ही इनके इससे ज्यादा है, बीजिंग की जीडीपी ज्यादा थी, और ले और बीजिंग में साइकिल बहुत ज्यादा चलती है, और वहाँ के लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि पोल्यूशन से बचा जा सके, ठीक है। और इसी तरह इंडिया में जो है दिल्ली के अंदर जो है गाड़ियां सीएनजी पे बहुत ज्यादा चलती हैं, ये चीज मुझे काफी वो की है, वो ये कि पेट्रोल का रेट बड़ा बराबर है दोनों तरफ, 82 है आपके पास भी, 82 है हमारे यहाँ जो है वो 92 है, एक साल पहले यहाँ पे 65 था, एक साल पहले, ठीक है, 65 पे था, और वो बढ़ते 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 92 पे पहुंच चुका है, और अगर वो देखा जाए तो आपके लिए तो वो सस्ता ही लगेगा, नहीं पहले 100 पे भी था, उससे पिछले साल, उससे पहले एक टाइम ऐसा भी था, दो तीन साल पहले की बात, नहीं 100 तो दो तीन साल पहले की बात है, 110 रुपए तक गया था, 110-112 रुपए तक, फिर नीचे लेके आए 65 पे लेके आए, गुस्सा किया था, हाँ, फिर अब आहिस्ता 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 ये दोबारा 92 पे पहुंच गया, फिर 99 पे गया था, फिर 92 पे आ गया, वैसा फिर नीचे जा रहा है, अब देखते हैं कितने तक जाता है। लेकिन पेट्रोल का रेट अगर हम फिर अगर कंपैरिजन करें आपको हमारा, तो हमारा फिर रेट नॉर्मल है, इतना ज्यादा नहीं है, क्या ख्याल है, क्योंकि आपकी तो इनके करेंसी रेट भी बहुत ज्यादा है, अगर उस रेट से देखा जाए तो हमें फिर तकरीबन कोई 130 रुपए का पड़ता है, 30-40 रुपए का पड़ता है, क्या ख्याल है, तो उस लिहाज से तो फिर हम कहेंगे यार 82-92 रुपए ठीक ही मिल रहा है, चलो कुछ ना होने से कुछ बेहतर ही है, क्या ख्याल है। और दूसरा खानों की बात करें जी, खाने तो नो डाउट उनके तो समझ ही नहीं आ रहे थे, तबीयत ही खराब हो रही थी देख के, ठीक है, हाँ उनके लिहाज उनके बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन वो क्योंकि हमने नहीं देखे कभी भी, हाँ सिंपल से थे उनके, ठीक है, मुझे ऐसे लगता है जैसे उनके जो खाने में जैसे फीके फीके होते होंगे, हमें जो है ना जो हमारी जो आपकी और हमारी जो कल्चर है ना खाने का, वो जरा चटपटा हर किस्म का है, तड़के वाला, ठीक है, मजेदार मसालेदार, ये जो है ना जैसे तली हुई चीजें बड़ी कमाल की फुल मसाले से सारी, लेकिन कच्ची कच्ची चीजें मैचिंग लगती, वो मुझे लगते है हल्की हल्की जो है ना वो कच्ची रहते हैं चीजें, मतलब पूरी पकी नहीं होती चीजें, हमें जब तक पूरी भून ना जाए चीज वहां तब तक हमें मजा नहीं आता, खैर भुनी हुई चीज है फिर मजा आता है, तो इस लिहाज से। और दूसरी और जो घूमने फिरने की बात आती है, एक चीज मुझे लगता है भूल गई है, जैसे उन्होंने बताया ना कि बीजिंग 3,000 साल पुराना सिटी है, ठीक है, तो ये बताना चाहिए कि मुंबई दिल्ली कितने हजार साल पुराना, मुझे लगता है दिल्ली ज्यादा पुराना सिटी है, दिल्ली, हाँ मेरा ये ख्याल है दिल्ली पुराना, ठीक है, क्योंकि जो हिस्ट्री दिल्ली की है वो मुंबई बीजिंग से ज्यादा है, ठीक है, दिल्ली की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, हाँ बहुत बड़ी हिस्ट्री है, इतने ज्यादा बादशाह गुजरे, महाराजा गुजरे, राजा गुजरे, ठीक है, तो इसलिए बीजिंग के, हाँ नहीं नहीं 16 बार उसका नाम चेंज हुआ है, ठीक है, बीजिंग के जो है नाम 16 बार चेंज हो गया, दिल्ली है दिल्ली, न्यू दिल्ली इस हिसाब से। तो और बाकी अगर कुछ और चीजें जैसे होते हैं बीजिंग का जो है, जैसे उन्होंने बताया कि उनका जीडीपी ज्यादा है, ठीक है, वो जाहिर बात है ज्यादा है तो एक चीज है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली का भी बढ़ रहा है, जैसे जो बढ़ रहा है, हाँ उसमें उनका जो है ना इस्लाम का जैसे बताया गया, जैसे 1.7% वहाँ पे भी है, कोई मतलब नहीं है उनका। सो गाइज हमें जो है ना ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, ठीक है, आपका हमारा रिएक्शन कैसा लगा हमें जरूर बताना है, तो जान से फिर आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कीप वाचिंग पाकिस्तान।